ओके वेलकम टू सीजन सिक्स एपिसोड एट एट ये शायद ये ओके क्वेश्चन इज फन वन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंटीजर एन एन निकालना है सच दैट नाइन 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 सिक्स टाइम्स नाइन जो है नंबर इसको अगर मैं एन से मल्टीप्लाई करूँ मी डी टू फाइंड एन इसको अगर मैं एन से मल्टीप्लाई करूँ तो आई गेट समथिंग ऑफ दिस फॉर्म जिसमें वन वन वंस मुझे नहीं पता कितने वन है बट यू गेट यू गेट वंस एंड ओनली वंस तो कन्वर्टर है बेसिकली एन इज़ अ कन्वर्टर जो नाइन सिक्स टाइम्स नाइन को सिक्स टाइम्स नाइन नहीं ऐसा नाइन 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 को कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में वन 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 वाली फॉर्म में तो वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सच कन्वर्टर तो इंटरेस्टिंग फाइंड पॉज द वीडियो थिंक अबाउट इट सोचो कैसे सॉल्व करेंगे ओके लेट्स लेट्स डू इट टुगेदर तो सबसे पहले मैं फॉर्म्स चेंज करूँगा आई नीड आई एम मोर कंफर्टेबल इन डीलिंग विद नंबर्स विथ पावर्स तो नाइन 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 दिस इज़ वन लेस देन अ पावर ऑफ टेन टेन के पावर सिक्स माइनस वन है दिस इज गुड वनस को कन्वर्ट करने के लिए पिछले एपिसोड में देखा था आई नीड नाइन्स तो इस पूरे को अगर मैं नाइन्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ऊपर आई गेट नाइन नाइन नाइन्स डॉट डॉट नाइन एन नाइन्स अब मुझे नहीं पता कितने नाइन्स हैं बट लेट्स एज्यूम के नाइन्स हैं सो दिस विल बिकम टेन के पावर के माइनस वन के सम इंटीजर ठीक है टेन की पावर के माइनस वन मुझे नहीं पता ना के क्या है सो so, टेन की पावर के माइनस वन अब अब क्या करें एन इक्वल्स टू टेन की पावर के माइनस वन अपॉन नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर सिक्स माइनस वन ये रखा हुआ है यहाँ मैं एक चीज़ लगा सकता हूँ यहाँ मैं बोल सकता हूँ भाई देखो एन इज़ एन इंटीजर एन इज एन एन इज एन इंटीजर ठीक है के भी के भी इंटीजर है बट एन इज एन इंटीजर दिस मीन्स दिस थिंग दिस थिंग इज डिविजल बाय दिस थिंग डिनोमिनेटर ये पूरा डिवाइड कर रहा होगा यहाँ मैं अपने नंबर थ्योरी की लॉजिक uh, लगाना शुरू करता हूँ लेट मीरा पॉल ऑफ दिस इफ दिस थिंग इज डिविजल बाई दिस थिंग तो मैं क्या बोल सकता हूँ लेट्स थिंक अपॉरिट ऊपर एक पावर ऑफ टेन माइनस वन है नीचे एक पावर ऑफ टेन माइनस वन है रिमेंबर रिकॉल रिकॉल दिस एक्स माइनस वन डिवाइड एक्स की पावर एम माइनस वन फर्स्ट फर्स्ट सीज ने पढ़ा था ठीक है एग्जाम्पल uh, हैं इसके x माइनस वन डिवाइड्स x की पावर फाइव माइनस वन हमेशा डिवाइड करेगा uh, अगर x की कोई पावर है लेट्स से एक्स स्क्र माइनस वन दिस डिवाइड्स एक्स स्क्वायर एक्स की जगह एक्सक्वायर डाल देते हैं माइनस वन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन विल ऑलवेज डिवाइड एनी इवन पावर ऑफ m, टू एम माइनस वन जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्र माइनस वन विल ऑलवेज डिवाइड एक्स की पावर सिक्सटीन माइनस वन या एक्स की पावर थर्टी सिक्स माइनस वन इन सो वन यानी एग्जाम्पल सिक्स ले लेते हैं यहाँ पर सिक्स रखा हुआ है तो सिक्स ले लेते हैं एक्स की पावर सिक्स माइनस वन विल भी डिविजल बाई एक्स डिवाइड नॉट डिविजिबल बाय डि एक्स की पावर सिक्स की पावर एम माइनस वन एक्स की जगह एक्स के पावर सिक्स डाल है दिस मीन्स एक्स की पावर सिक्स माइनस वन विल ऑलवेज डिवाइड एक्स की पावर सिक्स एम माइनस वन सिक्स के मल्टीपल को डिवाइड करेगा एग्जाम्पल एक्स के पावर सिक्स माइनस वन विल डिवाइड एक्स की पॉवर ट्वेल्व माइनस वन विल डिड एक्स की पावर एटीन माइनस वन विल डिवाइड एक्स की पावर ट्वेंटी फोर माइनस वन विल नॉट डिवाइड एक्स की पावर ट्वेंटी फाइव माइनस वन पावर नहीं है डिवाइड नहीं होगा सो विद दिस मैं ये बोल सकता हूँ अगर हमारा जो क्वेश्चन में ये टेन की पावर के माइनस वन है दिस इज़ डिविजबल बाय नाइन एज वेल एज टेन की पावर सिक्स माइनस वन पहले इस पर फोकस करते हैं दिस मीन्स के हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ सिक्स के सिक्स का मल्टीपल तो होगा ही ठीक है डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको हम नाइन से बात करवा लेंगे बट एटलीस्ट के हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ सिक्स फॉर दिस टू टू टॉक इन दोनों को बात करनी है अगर तो तो मैं मान लेता हूँ लेट के इज इक्वल टू सिक्स एम सिक्स का कोई मल्टीपल है तो ऊपर न्यूमिनेटर लिखा हुआ है टेन की पावर सिक्स एम माइनस वन और डिनोमिनेटर है नाइन टाइम्स टेन के पावर सिक्स माइनस वन दिस इज़ माई इंटीजर एन इंटीजर को इंटीजर वाले कलर से लिख लेते हैं दिस इज माई इंटीजर एन बट अगर मैं इसको कैंसिल करूँ लेट्स से अगर ये कैंसिल होता है तो व्हाट डू आई गेट इसके बारे में बात कर लेते हैं एंड तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ये सब तुम कर सकते हो आई थिंक फर्स्ट सीजन में सीखा था सो so, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज़ एक्चुअली वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वन अपू एक्स की पावर एन माइनस वन सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं दिस मीन्स अगर ऐसे टेन की पावर सिक्स इसको मैं लिखता हूँ टेन की पावर सिक्स की पावर अगर एम है तो न्यूमरेटर इज़ एक्चुअली टेन की पावर सिक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टेन की पावर नहीं वन वन तो शुरू होगा वन प्लस टेन की पावर सिक्स प्लस टेन की पावर सिक्स स्क्वायर यानी कि ट्वेल्व प्लस टेन की पावर सिक्स क्यूब यानी कि एटीन प्लस सो वन अप टू डॉट डॉट टेन की पावर सिक्स एम माइनस वन एम माइनस वन पावर तक जाएगा एम एम है तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर वन टू ये सिक्स की पावर जीरो है वन टू एंड सो वन सो दिस इज़ बेसिकली एम टर्म्स m terms ठीक है एंड वट डू आई हैव इन डिनोमिनेटर यहाँ डिनोमिनेटर लिखते हैं ये तो मेरा न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर में हमारे पास एक है एन एक है नाइन और एक है टेन की पावर सिक्स माइनस वन इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ इससे दिस गेट्स कैंसल्ड अब बात करेंगे नाइन की इसको साफ़ कर लेते हैं इसने अपने इसने अपना काम कर लिया लेट्स डिवाइड दिस बाय लेट्स डिवाइड दिस बाय नाइन और ये है मेरा इंटीजर एन इसको मिटा देते हैं दिस कैन गो इसको रहने दें क्या इसको रहने देते हैं साइड में एन uh, ही तो निकाला है ना मुझे इसको साइड में रहने देते हैं दिस इज इक्वल टू एन यहाँ तक देखो लुक एट दिस ठीक है तो एन इज़ दिस के हट चुका है हमारा हम एम पे आ चुके हैं एम की क्या वैल्यू हो सकती है ये सोच रहे हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है एन सबसे छोटा चाहिए एन सबसे छोटे के लिए मुझे के सबसे छोटा चाहिए और के सबसे छोटे के लिए मुझे एन सबसे छोटा चाहिए देर ऑल प्रोपोर्शनल, राइट के सिक्स टाइम्स एम तो जितना छोटा एम होगा उतना उतना बढ़िया होगा सो दिस मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स का काम चलाना है एम इज ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमम कितनी टर्म्स हो ऊपर न्यूमरेटर में दैट दैट न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाय नाइन सो यहाँ पर हम रिमाइंडर लॉजिक लगा सकते हैं फर्स्ट टर्म लीव्स रिमाइंडर वन सेकेंड टर्म ऑल्सो लीव्स रिमाइंडर वन एनी पावर ऑफ टेन विल लीव रिमाइंडर वन बिकॉज तुम कितने ज़ीरो लगा लो

यानी कि के की मिनिमम वैल्यू होगी के की मिनिमम वैल्यू होगी नाइन सॉरी एम की मिनिमम वैल्यू होगी नाइन और के है हमारा सिक्स टाइम्स एम तो के की मिनिमम वैल्यू होगी सिक्स टाइम्स नाइन यानी कि फिफ्टी फोर एंड दिस विल हेल्प अस गेट टू द स्मॉलेस्ट नंबर एन तो के की अगर मैं वैल्यू फिफ्टी फोर डालता हूँ ये दिस बिकम्स टेन की पावर फिफ्टी फोर माइनस वन डिवाइड बाई नाइन टाइम्स टेन की पावर सिक्स माइनस वन दैट्स इट वी नो दैट दिस इज एन इंटीजर बिकॉज दिस विल कैंसल आउट और जो बचेगा उससे नाइन डिविजिबल होगा सो दिस नंबर वेन ये हमारा एन है हमारा आंसर आ चुका है वी आर डन एक्चुअली दिस नंबर आई नो बहुत बड़ा नंबर है तो मैं लगा था कि फाइव आएगा आंसर एनी वेज दिस नंबर वेन मल्टीप्लाइड बाई नाइन 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 दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर वैन मल्टीप्लाइड बाई नाइन 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 गिव्स वन 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 एन से वन तुम ये बता सकते हो कितने वन आएंगे के uh, वन आएंगे विच मीन्स फिफ्टी फोर वन आएंगे 54 amper. And uh, that's it. There you have it. So cool. Uh, see you in the next one.